हेलो स्टूडेंट्स, आज दा साडा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट लैक्चर च आपां कीता सी आयनिक बॉन्ड। जिहड़ा आयनिक बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन करके बनता है। अज आपां जिहड़ा बॉन्ड पढ़ना है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स between the combining atoms of the same or different elements is called a covalent bond। जिदा कि आपां लास्ट लैक्चर च कीता सी बेटा, शेयरिंग भी दो तरीके दी हुंदी है। अगर शेयरिंग इक्वल है बाय बोथ द एटम्स दैन वी कैन कॉल इट एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जिहड़ा डोनेट वो इक्के कर रहे हैं, शेयर दोनों कर रहे हैं, दैट विल बी कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। सो अज आपां शेयरिंग सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बारे करनी है जिहदे अंदर दोनों एटम्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करनगे। सो बेटा फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आपां दो एटम शो करते, इन्हां दा वैलेंस इलैक्ट्रॉन एक एक हुंदा है, डॉट नाल रिप्रजेंट करता। जदों बेटा शेयरिंग हुंदी है तां आपां इलैक्ट्रॉन्स नूं सेंटर च शो करते हैं। इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन दा एक इलैक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इहदा शेयर कर लिया, दोनों दे बेटा दो दो कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन कंप्लीट ही अपने दो करदा है और एक लाइन दा मतलब है दो इलैक्ट्रॉन। सो दैट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों एटम्स लिख ले बेटा, दोनों दे वैलेंस दे अंदर छे छे इलैक्ट्रॉन्स होंदे हैं, दोनों एक दूजे दे दो दो शेयर करनगे तद अठ पूरे होंगे। सो जिधरली विचकार वाली साइड के अंदर जिथे बॉन्ड बनना है उत्थे आपां इलैक्ट्रॉन्स दो दो शो कर देने हैं। सो ये जिहड़े हैगे हैं, इस ऑक्सीजन ने इहदे दो शेयर कर ले, इस ऑक्सीजन ने इहदे दो शेयर कर ले, दोनों दे अठ अठ पूरे हो गए, बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है। हेयर वी विल रिप्रजेंट टू लाइन्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बन रहे हैं, ये आप करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, दैट वी विल डू इन नैक्सट लैक्चर। सेम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, बेटा अकले कले नाइट्रोजन को पांच पांच है, दोनों ने एक दूए के तीन तीन शेयर कर ले, अठ अठ इलैक्ट्रॉन पूरे इतने बन गए, तीन बॉन्ड, एक सिग्मा है तो दो पाई है। हुण बेटा इतने जिहड़ी शेयरिंग हो रही है दैट इज़ इक्वल, म्यूचुअल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग, और उहदे नाल जिहड़ा बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ कोवेलेंट। इहदे अंदर आपां सिंपल लाइन नाल कोवेलेंट बॉन्ड नूं शो करते हैं। एच टू ओ मॉलीक्यूल, अगेन एच एच एक एक इलैक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दे कोल छे, क्योंकि बेटा इन्हें इहदे नाल एक एक शेयर करना है, हुण साइड ते आपां एक एक दिखाना है। सो इत्थे इहदे भी दो पूरे, इहदे भी दो पूरे, ऑक्सीजन दे अठ कंप्लीट। सो बेटा जिहड़े ए इलैक्ट्रॉन है आता बॉन्डिंग दे अंदर यूज़ हो गए ऑक्सीजन दे, जिहड़े इलैक्ट्रॉन दा पेयर बॉन्डिंग दे अंदर यूज़ नहीं होया, ऐदां दे इलैक्ट्रॉन पेयर नूं असीं कहिंदे आ लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। लोन पेयर्स मतलब दैट इज़ नॉट इनवॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन बट उस मॉलिक्यूल कोल पिया होया। सो नैक्सट इज़ एन एच थ्री भी हो गया साडा। सो ये बेटा कुछ कंपाउंडस है जिन्हां दे राहीं आपां म्यूचुअल शेयरिंग शो करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नूं शो किया है। हुण बेटा जिदा असी आयनिक बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स किए सी, वी विल डू जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो सब तो पहला दे आर नॉन पोलर नेचर, क्योंकि बेटा इन्हां दे अंदर पॉजिटिव नैगेटिव कुछ नहीं हुंदा, दे आर नॉन पोलर। दे आर मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट लो, उहदा बेटा हाई क्यों हुंदा सी आयनिक दा, क्योंकि उहदे अंदर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सी, इहदे अंदर वीक इंटरमोलीकुलर फोर्सेज है, इस करके इन्हां दा मेल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट लो हुंदा है। तीजा इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट, इन सॉलिड और इन एक्वा स्टेट, बिकॉज इन्हां दे अंदर आयन्स हुंदे ही नहीं है। सॉल्युबिलिटी, जिदा बेटा आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल सीगे पोलर दे अंदर, दे आर सॉल्युबल इन ऑरगैनिक सॉल्वेंट्स। दिस बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल इन नेचर एंड कंपाउंड अंडर गो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। हुण बेटा जिदा आपां उहदे अंदर कीता सी जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उहनूं आपां कहिंदे सी इलैक्ट्रोवैलेंसी। इत्थे इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तां नहीं हो रहे बट शेयर हो रहे हैं हरेक केस दे अंदर, उहनूं किया जांदा कोवैलेंसी। सो द नंबर ऑफ शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज कोवैलेंसी। हुण बेटा तीन नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। यही जिहड़े सारे आपां पॉइंट्स कीते आ इहनूं आपां टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख देना है, आयनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। जिहड़े बेटा आयनिक कंपाउंड है दे कंटेन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड।
जिहड़ा आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सॉलिड एट रूम टैंपरेचर, दूजे पासे कोवेलेंट आर लिक्विड और गैसेज। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगेन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पॉजिटिव नैगेटिव होंदा, दे आर पोलर इन नेचर, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स जिहड़ा बॉन्ड है दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल, दिस इज डायरेक्शनल। एंड लास्ट एग्जाम्पल आयनिक का जिदा आपां कीता NaCl कैल्शियम सल्फेट, और कोवेलेंट दे एग्जाम्पल H2O2 H2O। सो ये इन्हां दा जिहड़ा कंपैरिजन है, ये हमेशा आपां कोई भी कंपैरिजन आ जावे बेटा ट्राई टू राइट इट इन टेबुलर फॉर्म, पैराग्राफ दी फॉर्म च ना लिखो, टेबल बना के एक्सप्लेन करो। हुण नैक्सट बेटा इहदे अंदर आंदा है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिदा मैं लास्ट पॉइंट आउट किया सी, एक सिगमा बॉन्ड सी, एक पाई बॉन्ड, वो आपां स्टडी करनी है बेटा। जिहड़ी सानू पता है जिहड़ा बॉन्ड बन रहा है वो एटोमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप नाल बन रहा है। सो बेटा जिहड़ी ओवरलैपिंग है ये भी दो तरीके की होंदी है, या तो ओवरलैपिंग साइडवेज हो सकती है या हैड टू हैड एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है। सो बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, उहदे अकॉर्डिंग सिगमा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड हुंदा है। पहला आपां करना है सिगमा बॉन्ड। वैन टू हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटल्स इनवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड टू एंड और हैड टू हैड, दैट इज़ नोन एज सिगमा बॉन्ड। जिदा बेटा डायग्राम से दिखाया है, अगर एस और एस ओवरलैप करते हैं दिस बॉन्ड इज सिगमा। एस और पी, पी केवल पी जेड, पी एक्स और पी वाई सिगमा बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ए ओवरलैप मैक्सिमम होंदा है अगेन सिगमा, या फिर पी जेड आपस के अंदर करन ओवरलैप दैट इज़ अगेन सिगमा, क्योंकि ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो रही है। इहदे अंदर एक ही इलैक्ट्रॉन क्लाउड बनता है जिहड़ा कि यह डार्क शो किया होया है, और ए मैक्सिमम ओवरलैप होण करके ए बॉन्ड जिहड़ा बेटा ये हमेशा स्ट्रोंग हुंदा है। दूजे पासे आपां करना है पाई बॉन्ड, रिप्रेजेंटेड एज साइन पाई। वैन ओवरलैप इज साइडवेज, अगर लेटरल ओवरलैप हुंदा है तो बॉन्ड नूं आपां कहिंदे आ पाई बॉन्ड, ए वीक हुंदा है एज कंपेयर टू सिगमा। हुण बेटा इहदे अंदर पी एक्स या पी वाई इनवॉल्व हुंदे है। सो बेटा देखो पी दे दो लोब्स हुंदे आ, डंबल शेप हुंदी है, एक जिहड़ा ओवरलैप है उपर होएगा एक्सिस ते, एक ओवरलैप नीचे होएगा। इस करके जिहड़ा पाई बॉन्ड हुंदा है उहदे बेटा दो क्लाउड हुंदे इलैक्ट्रॉन क्लाउड, वन एबव एंड सैकेंड बिलो द प्लेन। हुण क्योंकि बेटा साइडवेज ओवरलैप करके है, इस करके ये जिहड़ा बॉन्ड हुंदा है ये हमेशा वीक हुंदा है एज कंपेयर टू सिगमा बॉन्ड। हुण बेटा इहदे अंदर भी क्वेश्चन आ जांदा है 3 मार्क्स का, कंपैरिजन ऑफ सिगमा एंड पाई बॉन्ड, या एक नंबर चे फिलअप सिगमा बॉन्ड इज़ डैश दैन पाई बॉन्ड, सो सिगमा बॉन्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर दैन पाई बॉन्ड। हुण बेटा आप एक एक पॉइंट इहदे डिफरेंस का पढ़ते हैं, इधर सिगमा लै लिया इधर पाई लै लिया। जिहड़ा सिगमा बॉन्ड है इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल, या आप कह सकते एंड टू एंड ओवरलैप इस तरीके नाल। जिहड़ा पाई बॉन्ड है इट इज़ फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल, जिदा आप लास्ट शो किया है इस तरीके नाल, साइडवेज ओवरलैप नाल पाई बॉन्ड बनता है, एक्सियल हैड टू हैड एंड टू एंड ओवरलैप नाल सिगमा बॉन्ड बनता है। सिगमा ओवरलैप लार्ज हुंदा है इस करके बॉन्ड स्ट्रोंग हुंदा है, जिहड़ा पाई ओवरलैप है इट इज़ लैस सो बॉन्ड इज़ वीक। थर्ड पॉइंट, एस ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन सिगमा बॉन्ड फॉर्मेशन, जिदा आप इतने शो किया है, बट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, अंडर सिगमा द बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन द एबसेंस ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा जदों भी किसी दो एटम्स के विच पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वह हमेशा सिगमा हुंदा है, अगर साइडवेज ओवरलैप होर पॉसिबल है दैन पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म। सो सिगमा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन द एबसेंस ऑफ पाई बॉन्ड, बट जिहड़ा पाई बॉन्ड है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द एबसेंस ऑफ सिगमा बॉन्ड। पहला दो एटम्स के विचकार सिगमा बॉन्ड बनेगा, दैन ओनली पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। फिफ्थ पॉइंट, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिगमा बॉन्ड इज़ पॉसिबल।
फ्री रोटेट कर सकते एटम्स अराउंड सिगमा बॉन्ड, बट पाई दे अराउंड एटम्स रोटेट नहीं कर सकते। सिगमा के अंदर जिहड़ी एनर्जी रिलीज होंदी है दैट इज़ लार्ज, और पाई के अंदर जिहड़ी एनर्जी रिलीज होंदी है दैट इज़ लैस। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन क्लाउड सिगमा के अंदर है बेटा वह सिमेट्रिकल है और पाई के अंदर अनसिमेट्रिकल है। जो बेटा आपां कीता एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सो जिहड़ा पहला बॉन्ड बनया दैट इज़ सिगमा, उहदे बाद जिहड़े दो बनणगे दैट आर पाई, क्योंकि वह साइडवेज ओवरलैप नाल बनणगे। इहदे बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनया दैट इज़ ऑलवेज सिगमा, सिगमा दी एबसेंस च पाई बॉन्ड बने नहीं सकता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड शो हो रहे बेटा, वन इज़ सिगमा अनदर इज़ पाई। एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिगमा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रोंगर दैन पाई बॉन्ड। सो ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल सीगियाँ। नैक्सट लैक्चर से आप करांगे हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट्स ऑल जिहड़े आपां कीते बेटा। आई एम अगेन समराइजिंग हेयर, दो टाइप दी बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा आपां कीती हैं, एक आयनिक ते दूजा कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर फॉर्म्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एज अ रिजल्ट ड्यू टू स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रोंग। और दूजे पासे कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सो इट इज़ वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।